अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अब जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट करें दैट इज हाइड्रोसील। तो कहानी कुछ यूं थी, आप लोगों को अगर याद हो कि हमारे पास जब ये टेस्टिस की फॉर्मेशन होती है, थोड़ा सा मैं एनाटॉमी से लेकर चलूंगी, फिर आपको बताती हूँ कि हाइड्रोसील क्या होता है। आसान सा टॉपिक है, आपको याद भी होगा। तो कुछ कहानी यूं थी कि जो टेस्टिस की फॉर्मेशन होती है वो होती है एब्डोमेन में। आपको पता है कि फीटल लाइफ में टेस्टिस एक रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स की तरह बनते हैं और पेरिटोनियम के पीछे फॉर्म होते हैं, ठीक है। और फीटल लाइफ के जो आखिरी महीने होते हैं उसमें जो आपकी टेस्टिस है वो डिसेंड होके आती है फ्रॉम द इंग्वाइनल केनाल, मतलब जहर आगे पेरिटोनियम की कवरिंग होती है और इंग्वाइनल केनाल से ये पूरा ऐसे गुजर के और फिर ये स्क्रोटम के बैग में आके यहाँ पर लाई करती है टेस्टिस, ठीक है। तो पूरा इनका पाथवे होता है फ्रॉम इंग्वाइनल केनाल टू द स्क्रोटम। जब ये टेस्टिस गुजर के आप एब्डोमेन से इंग्वाइनल केनाल में स्क्रोटम तक आते हैं तो साथ इनके फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम भी आता जाता है। सपोज ऐसे कर लें आप कि अगर ये एक आप टेस्टिस होगी तो जाहिर सी बात है कि आगे इसकी अगर एक शीट पड़ी हुई है और इसने गुजर के जाना है नीचे तक, तो क्या होगा कि जब ये गुजर के इसने जाना होगा तो वो शीट आपकी साथ ही इसके चलती 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 घसीटती हुई आगे तक चली जाती है, ठीक है। तो ये होता है कि टेस्टिस यहां से नीचे जाती है, जाती 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 है अपने सारे रास्ते से और पेरिटोनियम के फोल्ड को साथ अपने घसीट के नीचे तक ले आती है, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने सिलसिला कुछ यूं बनाया हुआ है कि वो जो फोल्ड नीचे जाते हैं उसको हम कहते हैं ट्यूनिका प्रोसेसस वेजिनालिस, ठीक है। उस फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम को जो कि पीछे इसके साथ नीचे चला जाता है घसीटता हुआ पूरे रास्ते में ऐसे करके, वो उसको हम कहते हैं प्रोसेसस वेजिनालिस। और फिर क्या होता है कि कुछ अरसे में आहिस्ता आहिस्ता पीछे से वो सारा का सारा फोल्ड ऑब्लिट्रेट हो जाता है। ऑब्लिट्रेट का मतलब खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि अगर टेस्टिस जैसे गोल स्ट्रक्चर है और उसमें एक चीज को अपने साथ घसीट के ऐसे लेके गई है वो नीचे, तो डेफिनेट सी बात है कि वो चीज उस पूरी टेस्टिस को और उसकी कॉर्ड को इनकेस कर देगी और डबल लेयर की एक पूरी चीज उसके सराउंडिंग में बन जाएगी। मतलब कॉर्ड जाहिर है टेस्टिस और उसकी जो भी कॉर्ड है पीछे से उसके इर्द गिर्द एक डबल लेयर बन जाएगी। लेकिन होता यह है कि प्रोसेसेस जेनेलिस सारा का सारा ऑब्लिट्रेट हो जाता है, सिर्फ ये जो रहता है वो टेस्टिस की एंटीरियरली और थोड़ा सा लैटरली रह जाता है, ठीक है। इंटीरियर और लैटरल साइड्स पे टेस्टिस की ये रह जाता है और वो भी कोई बहुत थिक नहीं, पतली सी एक लेयर की तरह, पतली सी लेयर की तरह इंटीरियर एंड लैटरल पोर्शन ऑफ टेस्टिस पे रह जाता है, बाकी सारा का सारा पीछे सा ऑब्लिट्रेट हो जाता है। अगर ऐसा हो, कोई ऐसी कंडीशन हो कि ये ऑब्लिट्रेट ना हो किसी भी जगह पे, तो फ्लूइड इसके अंदर कलेक्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जो खाली थोड़ा सा रह जाता है ना, जो नॉर्मल बंदों में रह जाता है कि आगे एंटीरियरली और लैटरली, उसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है। तो ट्यूनिका वेजिनालिस आप जब पढ़ते हैं ना लेयर्स अराउंड टेस्टिस या फिर आप स्क्रोटम की लेयर्स पढ़ते हैं तो उनमें से एक लेयर होती है, क्योंकि पतली सी एक लेयर की तरह रहता है, इसमें कुछ भी नहीं होता, कोई फ्लूइड इसके अंदर कलेक्ट नहीं होता, क्योंकि अगर कोई फ्लूइड इसके अंदर एक्युमुलेट हो रहा होता तो वो लिम्फेटिक्स के थ्रू ड्रेन हो जाता है और एक्सेसिव फ्लूइड इसके अंदर आता नहीं है। तो अगर इसके अंदर फ्लूइड एक्युमुलेट हो रहा है तो इसका मतलब एक एब्नॉर्मैलिटी है, तो बेसिकली वो जो एब्नॉर्मैलिटी होती है वो होती है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील इज योर कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन ट्यूनिका वेजिनालिस विच इज अराउंड टेस्टिस, ठीक है। अब वो इतने सी जगह पे भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि कहीं ना कहीं पर जो ऑब्लिट्रेशन ऑफ प्रोसेसेस वेजिनालिस है वो खराब होती है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार ऐसा होता है कि प्रोसेसेस वेजिनालिस जो है वो ऑब्लिट्रेट होता ही नहीं है और उसी तरह से पेटेंट रहता है। वो पेटेंट रहेगा तो पूरी की पूरी जगह पर फ्लूइड, क्योंकि जो फ्लूइड आपकी एब्डोमिनल कैविटी में होगा वो इस सारे से गुजर के आके कलेक्ट हो सकता है, तो ये सारी जगह फ्लूइड से भर जाती है, ठीक है। एक वो बात हो सकती है। फिर ये हो सकता है कि जो डीप इंग्वाइनल रिंग था उस जगह पर से पीछे पीछे वाला ऑब्लिट्रेट हो जाए लेकिन आगे वाला पेटेंट रहे, तो फ्लूइड कलेक्शन इतनी सी सारी जगह पे हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये होता है कभी कभार कि यहां से पीछे वाला भी ऑब्लिट्रेट हो जाता है और इधर से आगे वाला भी ऑब्लिट्रेट हो जाता है, बीच में थोड़ा सा पोर्शन रह जाता है ये वाला, तो फ्लूइड इतने से पोर्शन में कलेक्ट हो जाता है, तो यहां पर भी छोटी सी हाइड्रोसील बन जाती है। एक ये भी तरीका हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि पीछे से सारा ऑब्लिट्रेट और सिर्फ टेस्टिस के अराउंड वाला रह गया और जैसे नॉर्मली रहता होता है फ्लूइड उसके अंदर आ जाए, तो वो भी हो सकता है। तो वो टाइप्स मैं आपको तस्वीरों से एक दफा दिखा देती हूँ। अब ये टेस्टिस जो आपके हाइड्रोसीलस की टाइप्स होती हैं, दो, प्राइमरी और सेकेंडरी। सबसे पहले, ठीक है, जो प्राइमरी होता है उसका मतलब है कि फ्लूइड की प्रोडक्शन, सॉरी फ्लूइड की ड्रेनेज सही नहीं हो रही है। फ्लूइड की ड्रेनेज तभी सही नहीं होती ट्यूनिका वेजिनालिस में से जब कहीं ना कहीं पर रास्ता ऑब्लिट्रेट जो है वो ठीक ना हुआ हो, यानी प्रोसेसेस वेजिनालिस अगर अपनी नॉर्मल से ज्यादा जगह पर है। मतलब सपोज मैंने आपसे कहा कि जैसे इस कंडीशन में ये कहीं ऑब्लिट्रेट ही नहीं हुआ, प्रोसेसेस वेजिनालिस पीछे तक है, ठीक है, तो इस कंडीशन में फ्लूइड आपका इजिली फ्लो करके इसमें आ सकता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम कहते हैं प्राइमरी टाइप ऑफ हाइड्रोसील। प्राइमरी का मतलब है कि फ्लूइड प्रोडक्शन नॉर्मल है लेकिन जो प्रोसेसेस वेजिनालिस था उसकी अपने स्ट्रक्चर में कोई मसला है और फ्लूइड वहां से ड्रेन सही नहीं हो रहा, ठीक है। और दूसरी होती है जो सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि वो प्रोसेसेस वेजिनालिस एंड ट्यूनिका वेजिनालिस बिल्कुल ठीक थे, प्रोसेसेस वेजिनालिस अपनी जगह ठीक बना, ट्यूनिका अपनी जगह ठीक था,
सब सही था, सिर्फ और सिर्फ हुआ ये कि फ्लूड की प्रोडक्शन ज्यादा होगी और वो होती है डिफरेंट डिजीजेज में, यानी ट्यूबरकुलोसिस में, एपिडिडिमा और काइटिस में, या एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन. आपको होता है किसी भी एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में एडिमा होता है, उसके रिजल्ट में अगर हाइड्रोसील हो जाती है तो उसको सेकेंडरी कहते हैं. ठीक है, वो कम होती है, वो इतनी कॉमन नहीं होती, ज्यादा कॉमन होती है प्राइमरी वाली. प्राइमरी के अब चार टाइप्स हैं. आप ये देखें, ये जो आपको गोल दिखी हुई है टेस्टिस है, ये जो पिंक कलर की कॉर्ड पीछे से आ रही है आपकी नॉर्मल स्पर्मेटिक कॉर्ड है, और ये एपिडिडिमस है. ठीक है, पिंक वाली सारी नॉर्मल है, एपिडिडिमस एंड स्पर्मेटिक कॉर्ड. अब सबसे पहली बात ये वाली देखें कि ये जो स्किन कलर का इनने दिखाया, ये स्किन वाला है बेसिकली आपका सारा का सारा हाइड्रोसील है, क्योंकि ये जो प्रोसेसिस वेजिनालिस था ये हर तरफ है और ये पीछे से ही कंटिन्यूड है और ये पीछे से ऑब्लिट्रेट ही नहीं हुआ. मतलब जहां से इसने शुरू होना था एब्डोमेन से, वहां से नीचे तक ये कहीं भी ऑब्लिट्रेट नहीं हुआ, इसलिए फ्लूइड सारे में कलेक्टेड है और बड़ा हुआ है ये, वरना इतना बड़ा कुछ भी नहीं होता, वरना ऐसे होता है खाली. ठीक है, जैसे टेस्टिस है ना, ये खाली है, इस तरह होना चाहिए. तो इसका मतलब ये कम्युनिकेटिंग है, या फिर इसको हम कहते हैं कंजेनिटल हाइड्रोसील, जो कि कंजेनिटली ही मसला होता है. फिर दूसरी होती है जिसमें जो आपकी डीप इंग्वाइनल रिंग है वहां तक प्रोसेसिस वेजिनालिस ऑब्लिट्रेट हो जाते हैं. ये देखें, डीप इंग्वाइनल रिंग तक ऑब्लिट्रेट है और उससे आगे पेटेंट रहता है, तो फ्लूइड उससे आगे आगे सारा कलेक्टेड है स्किन वाला और इससे पीछे नहीं है. ये होती है इन्फेंटाइल हाइड्रोसील. ठीक है, पहली कंजेंटल है कम्युनिकेटिंग, दूसरी इन्फेंटाइल. फिर तीसरी होती है जो मैंने आपसे बताया था कि पीछे भी रास्ता बंद हो जाता है, आगे भी रास्ता बंद हो जाता है, दरमियान में रह जाता है. इसको हम कहते हैं इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड, के कॉर्ड में एक जगह पर सिस्ट टाइप हाइड्रोसील बन गई है, आगे पीछे सब ठीक है. और चौथी होती है कि जो आपका ट्यूनिका वेजिनालिस है, जो जिसको नॉर्मली एंटीरियर और लैटरल साइड पे होना चाहिए था, उस सारे में मतलब वो पीछे से कुछ भी नहीं है, आगे ही है खाली, लेकिन उसमें फ्लूइड कलेक्ट हो गया, इसको हम कहते हैं वजाइनल हाइड्रोसील. ठीक हो गया. अब इसे क्लिनिकल फीचर जो बहुत सिंपल से होते हैं, पेशेंट को कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये होती है पेनलेस स्वेलिंग होती है स्क्रोटम में. ठीक है, और वो जो आपकी पता पेनलेस स्वेलिंग है उसका पेनलेस इस वजह से क्योंकि उसका कोई प्रेशर इफेक्ट्स थोड़े बहुत पड़ रहे होते हैं, लेकिन कोई खास मसला वो कर नहीं होती. ठीक है, तो पेनलेस स्क्रोटल स्वेलिंग होती है और स्क्रोटल स्वेलिंग कैन नॉट बी फेल्ट डिफरेंट फ्रॉम द टेस्टिस, क्योंकि वो टेस्टिस के साथ इतना ज्यादा उसके अंदर वो अंदर घुस चुका होता है कि वो आप डिफरेंस नहीं फील कर सकते. तो जो इम्पोर्टेंट तरीन बात है जो आप साइन चेक करते हैं वो होता है ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव होना. ठीक है, ट्रांस इल्यूमिनेशन का पॉजिटिव होने का मतलब है कि जब आपको पता है ट्रांस इल्यूमिनेशन करने का तरीका होता है कि आप स्क्रोटम की एक तरफ टॉर्च रखते हैं. ठीक है, और वो आप देखते हैं कि दूसरी तरफ से लाइट पास होके आएगी या नहीं, तो फ्लूइड अगर होगा तो लाइट इजीली पास होके चली जाएगी और आपको इल्यूमिनेटेड सी मतलब लाइट पास होने का नहीं, आप देखते आपको नजर आते हैं कि ऐसे टेस्टिस का बिल्कुल इल्यूमिनेशन हो जाते हैं, कलर बहुत इल्यूमिनेट कर जाते हैं. और ये आप हमेशा डार्क लाइट्स में करते हैं टेस्ट, मतलब आप कमरे की लाइटें बंद करते हैं, एक तरफ आप उसके बिल्कुल साथ जोड़ के रखते हैं, अगर टेस्टिस है तो यहाँ पर आप अपनी पेन टॉर्च रखेंगे और आप देखेंगे. ठीक है, देखने के लिए भी आप दूसरी तरफ से नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं छोटा सा कागज जिसको आपने गोला बना लेते हैं. ठीक है, तो इल्यूमिनेटेड टेस्टिस अगर आपको नजर आती है तो इसका मतलब होता है कि ये ट्रांसफिलेशन पॉजिटिव है और वो हाइड्रोसील में पॉजिटिव आती है, क्योंकि हाइड्रोसील में क्लियर फ्लूइड की कलेक्शन होती है. ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव ट्रांसफिलेमिनेशन आएगी एंड साथ फ्लक्चुएशन भी होगी. ठीक है, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि इजिली मूवेबल है तो फ्लक्चुएंट है. तो ये दो टेस्ट आपके बहुत अच्छे डायग्नोस्टिक होते हैं हाइड्रोसील के लिए, ये आपने करने होते हैं. अच्छा, उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर बहुत ज्यादा भर जाएगा फ्लूइड, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फिर हो सकता है कि स्क्रोटम रप्चर हो जाए, लेकिन बहुत ही रेयर होता है. और ये जरूर हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें कोई ब्लड वेसल्स रप्चर होकर फ्लूइड की कलेक्शन के साथ ब्लड आने लग जाए, तो हिमेटोसील फिर आप उसे कहेंगे. या फिर ये हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता फ्लूइड जो है वो कैल्सिफिकेशन की तरफ जाने लग जाए. ठीक है, ये फिर भी हो सकते हैं, लेकिन रप्चर हो जाना बहुत अनकॉमन सी बात है. हमने ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है, जो होते हैं ना अभी कंजेनिटल हाइड्रोसील जिसमें पीछे से पूरा प्रोसेस ऑब्लिट्रेट ही नहीं होता, मतलब यहां से प्रोसेसेस वेजिनालिस आ रहा है, यूं कॉर्ड के भी साथ है, और ये अगर आपकी टेस्टिस पड़ी हुई है तो ये सारे टेस्टिस के अराउंड है, इसको तो हम हर्नियोटमी से ट्रीट करते हैं. हर्नियोटमी जिससे हमने करनी होती है ना कि हर्निया है, हर्निया ही है ना एक तरह की. हर्निया क्या होता है कि पीछे से कोई भी गट का लूप आगे आ जाता है, ये भी हर्निया की तरह ही हम ट्रीट करते हैं कि इसको हम वापस भेजते हैं गट के लूप की तरह. और हम इसको बल्कि हर्नियोरेफी तो कर नहीं सकते, हर्नियोटमी का मतलब है कि हम हर्निया का पूरा सैक एक्साइज कर लेते हैं. ठीक है, तो जो कंजेनिटल होगी उसकी हर्नियोटमी की तरह ट्रीटमेंट होगी कि पूरा सैक आपने एक्साइज करना है, मतलब यहां से आपने डिस्कनेक्शन करना है, पीछे पेरिटोनियम की आपने सूचरिंग करनी है और आगे से आपने इसको रिमूव कर लेना है. अगर हमारे पास सिंपल वो होती है ना जिसको हम कहते हैं इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड, तो वो तो बीच में छोटी सी होती है, ऐसे भी मैंने कहा सिस्टी, तो उसको आप सिंपली सर्जरी करके मतलब खोलते हैं आप उसको जिस जगह पे है और एक्साइज कर देते हैं. ठीक है, नथिंग एल्स इज नीडेड, तो वो एक्सिजन होती है. देन आपके पास प्रोसीजर होते हैं जबोलेस रिपेयर एंड लॉर्ड स्प्लाइकेशन. ठीक है, ये दो प्रोसीजर है, इनमें आपने कुछ इस तरह से करना होता है कि आपका वो जो प्रोसेस है वो भी ऑब्लिट्रेट हो जाए और दोबारा से रिकरेंस के चांसेस भी बहुत कम हो. तो जबोलेस रिपेयर में बेसिकली आप क्या करते हैं कि आप खोलते हैं स्क्रोटम को, ठीक है, टेस्टिस को भी और ट्यूनिका दोनों को बाहर निकालते हैं,
उसके बाद जो ट्यूनिका होगा उसको आपने, जाहिर सी बात है उसके अंदर फ्लूइड भरा होगा, उसको आपने इंसिजन देना है और सारा फ्लूइड ड्रेन कर देना है। उसके बाद अब आपने उसको जिधर वो नॉर्मली होता है वहां पर नहीं पोजीशन करना, बल्कि टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस पे पोजीशन कर देना है, ताकि दोबारा से फ्लूइड कलेक्शन भी ना हो और जो हो वो लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू चली जाए, क्योंकि पोस्टीरियर सरफेस पे लिम्फेटिक ड्रेनेज ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह आप जो बोलस रिपेयर में परमानेंटली जो ड्रेनेज है वो लिम्फेटिक्स से डायरेक्ट कर देते हैं, ताकि अगर फ्लूइड कलेक्ट होता भी है तो वो पीछे चला जाए। तो जो बोलस का ये सारा होता है कि आपने इन्वर्स कर दिए या ट्रांसवर्स कर दिए उसकी नॉर्मल पोजीशन को, और अब जो सारी ड्रेनेज है वो डायरेक्ट लिम्फेटिक्स से होती रहेगी। यहाँ पर इंटीरियर पोर्शन पर लिम्फेटिक सप्लाई कम होती है, ये होती है जो बोलस रिपेयर। जो लॉर्ड्स प्लाइकेशन है, इसमें आप सिंपली ये करते हैं कि आपने उसको खोल के उसको ड्रेन करना है ये ट्यूनिका को, और उसके बाद प्लाइकेट कर देना। प्लाइकेट का मतलब होता है कि आपने कंटिन्यूस सॉरी कॉरोगेटेड अंदाज में सूचरिंग कर देनी है, मतलब इस तरह से सूचर्स लगा देने हैं कि आप समझे कि फ्लूइड उसके अंदर कलेक्ट ही ना हो सके। ठीक है, उसको प्लाइकेशन कहते हैं कि समझ लें आप अभी इसकी जगह में आपको तस्वीर दिखाते हैं, थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा कि सूचरिंग इस तरह से हम करते हैं, उसको प्लाइकेशन करना कहते हैं कि मल्टीपल सूचर्स आप लगा दो इंटरप्टेड अंदाज में, ताकि दोबारा फ्लूइड ही ना कलेक्ट हो सके। ठीक है, तो इसको लॉर्ड्स प्लाइकेशन कहते हैं, इसमें भी आप फ्लूइड कलेक्शन इस तरह से प्रिवेंट कर देते हैं। अच्छा, हाइड्रोसिलेक्टमी का मतलब है कि सिंपली आप पूरी हाइड्रोसील को बाहर निकाल के और पीछे से जो सैक जहां से भी कंटिन्यूस है उसको आप जाहिर सूचर आउट कर दें, ये हाइड्रोसिलेक्टमी होता है। और तब होता है जब बहुत बड़ी ज्यादा फ्लूइड कलेक्टेड हो और थिक सैक हो और आप सिंपली लॉर्ड्स प्लाइकेशन या जबोलस रिपेयर ना कर सके, फिर इसका प्रॉब्लम ये होता है ना, हम इसकी डायरेक्टली हाइड्रोसिलेक्टमी नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि हाइड्रोसिलेक्टमी करने का मतलब होता है कि आप पूरी ट्यूनिका वेजिनालिस को निकाल रहे हैं हमेशा के लिए। तो हमारी कोशिश पहली होती है कि जितना हो सके हम उसको वहीं पर रहने दें और फ्लूइड कलेक्शन को रोक दें, इसलिए जबोलस और लॉर्ड्स प्लाइकेशन करते हैं। और आखिर में ये कि बहुत थोड़ा फ्लूइड होता है तो वी कैन डू एस्पिरेशन बाय सिंपल नीडल, लेकिन उसमें ये है कि रीएक्यूमुलेशन दोबारा हो जाती है और आप रीएक्यूमुलेशन को प्रिवेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहुत थोड़े फ्लूइड में आपने अगर चांस लेना हो तो एक दफा आप एस्पिरेट करके देख लेते हैं कि रीएक्यूमुलेट होता है नहीं होता, हो सकता है ना हो, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इसकी रिकरेंस होती है। ठीक है, तो यहां पर हम ये बात खत्म करते हैं, किसी को मसला हो कि ना। थैंक यू।